हनुमान जी की शरण में खुद स्वयं हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम का नारा सुनते ही सबसे पहले जहन में आता है वो राम भक्त हनुमान, जो था श्री राम का सबसे बड़ा भक्त। हाल ही में सीरियल सिया के राम में हुई है हनुमान की एंट्री और ये किरदार निभा रहे हैं तानिश अख्तर सैफी। जो रियल लाइफ में भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, भले ही दानिश हिंदू ना हो लेकिन भगवान हनुमान में रखते हैं गहरी आस्था। सासबहुओं बेटिया के साथ आज हम इस पर्दे के हनुमान को लेकर पहुँचे रियल लाइफ हनुमान में, दिल्ली के करोल बाग का मशहूर झंडे वाला मंदिर, जिसकी 108 फीट की हनुमान मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली आते और जाते वक्त आपको यह हनुमान की मूर्ति बहुत दूर से नजर आती है और आज इसी मूर्ति और इसी मंदिर का दर्शन करेंगे दानिश। लेकिन मंदिर में जाने से पहले पहले थोड़ा प्रसाद ले लें और मिलकर कहें जय श्री राम। 6 फुट 6 इंच टॉल हनुमान जी है, जो आप देख सकते हैं हम दोनों में डिफरेंस कितना है। पहली बार आप दिल्ली आए हनुमान जी के मंदिर में? जी मैं दिल्ली में आया हूँ, दिल्ली में मैं बहुत पहले नोएडा में भी रहता, लेकिन यहाँ हनुमान जी के मंदिर में पहली बार आऊँ और देख रहा हूँ हनुमान जी कितने बड़े हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके और आज सोच रहा हूँ मैं पूजा वूजा करूँगा यहाँ पे बहुत अच्छे से और प्रसाद भी लूँगा और आप लोगों के साथ पूजा वूजा करूँगा। ये दिल्ली के आइकॉनिक हनुमान जी हैं जो कि 108 फीट लंबे हैं। बिल्कुल, मैं सुना भी हूँ और देखा भी, काफ़ी मूवीज में काफ़ी जगह देखा भी हूँ और आज दर्शन करने को मिल गया। जब हनुमान जी के मंदिर में आए हैं तो हनुमान जी जैसा रंग भी दिखाना चाहिए। और देखिए आरती के बाद कैसे हनुमान जी की गदा के साथ कर रहे हैं पोज। आज टीवी के हनुमान जी ने असली हनुमान जी की पूजा कर ली। बिल्कुल, आज पूजा भी किया और बहुत अच्छा लगा मैं कि आज बड़े हनुमान जी का पूजा किया और फिर आऊँगा यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पूजा करके और आप देखिएगा कि सियाग्राम में अब मैं और अच्छा करूँगा। तो क्या मांगा आज आपने बजरंगबली से? मैं आज बजरंगबली से बस यही मांगा कि सब लोगों को अच्छा रखे और मुझे थोड़ी ताकत दे कि मैं सियाग्राम में रावण का कर सकूँ कुछ, राम जी की सहायता कर सकूँ सीता गलाने के लिए। दानिश एक पहलवान है और हनुमान मंदिर में आए और यहाँ पर भी उनके डोले शोले देखने लायक है। भाई लगता है रियल लाइफ में भी हनुमान जी के भक्त हैं। वैसे यहाँ पर आकर उन्होंने लड्डूओं का खूब मजा उठाया। तो ये दिल्ली का बहुत प्रसिद्ध लड्डू है और ये हनुमान जी का मंदिर का लड्डू है, तो एक प्रसाद के तरह से मैं खाऊंगा और बहुत भूख भी लगी है। जय श्री राम। बहुत स्वादिष्ट लड्डू है, अब मैं थोड़ा पेट आराम मिला, मुझे खा के पूजा वूजा कर लिया था, अब चलते हैं हम लोग। बहुत कम लोग जानते हैं कि दानिश एक रेसलर भी है, नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, तो रेसलिंग और हनुमान जी का किरदार पोर्ट्रे करते करते किस तरीके से दोनों चीज़ें जेल होती हैं? जी हम तो हनुमान जी का भक्त बहुत पहले से, एक रेसलर होने के नाते सारे जितने भी रेसलर होते हैं वो हनुमान जी के भक्त होते हैं, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा ही हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, याद करता हूँ हनुमान जी का, और जब भी रेसलिंग करते हैं हम लोग तो हनुमान जी का नाम लेके ही रेसलिंग करते हैं। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ हनुमान जी का। हनुमान जयंती के इस मौके पर ऐसे रहे दानिश के हनुमान दर्शन। जय श्री राम। ऑन दैट नोट कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ स्वाति, दिल्ली आज तक।